नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में होम साइंस विद रिंकी। और मैं वेलकम करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, आज ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो मतलब बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी और मुझे भी ये दवा बनाना था, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और मेरी सासू माँ बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, जिनको खाना मतलब पचता नहीं है, गैस का प्रॉब्लम है उनको, तो उन्हीं के लिए आज मैं देसी चूरन बनाने जा रही हूँ। और बहुत ही अच्छा वो बनता है और पेट से रिलेटिव जितने भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और आजकल के मतलब खान पान में तो बहुत दिक्कतें हो गई हैं, तो इस वजह से हर इंसान मतलब दवा के बल पर ही चल रहा है। तो ऐसे में ये चूरन अगर आप डेली यूज करते हो खाना खाने के बाद, तो आपको गैस से प्रॉब्लम नहीं होगा और पेट में जो भी दिक्कतें होंगी वो सारे खत्म हो जाएंगी। तो देसी चूरन हम किस तरीके से बनाते हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग भी ट्राई करना। और बहुत ही लाभदायक ये दवा है और चूरन है, जो बच्चे भी इसे खा सकते हैं, मतलब ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और बाजार में मार्केट में तो हर तरीके की चूरन मिलती है, लेकिन ये चूरन अगर आप बनाकर खाओगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो किस तरीके से ये चूरन बनती है आप लोग भी देख लीजिए। और सबसे पहले चूरन में हमें क्या क्या चीजें चाहिए चूरन बनाने के लिए, तो आप लोग भी एक बार चलिए देख लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये सूखा आंवला है जो सुखवा लिया गया है, मार्केट में ये मिल जाएगा बड़े आराम से, सूखा आंवला है। और ये देखिए ये हर्रे है, हमारे यहाँ इसे हर्रे बोलते हैं। और ये बहर्रे है, आप लोगों को नाम अटपटा लगेगा लेकिन ये आयुर्वेद वाला सब चीज़ है। तो ये बहर्रे है और ये हर्रे है, और इनमें बीज निकलेगा, तो इनका बीज जो निकलेगा वो हम निकाल करके फेंक देंगे, और इसका मतलब गुदा का ही हम चूरन बनाएंगे। तो ये सूखा आंवला है और ये हर्रे है और ये बहर्रे है, तो ये तीनों चीज़ भी चाहिए हमें। और ये देखिए ये मेथी है, ये 50 ग्राम मेथी है, ये मेथी हमने लिया है। और ये सौंफ है, ये भी हमने 50 ग्राम लिया है। और ये अजवाइन है, इसे भी हमने 50 ग्राम लिया है। और ये देखिए एक हींग की डिबिया हमने लिया है, तो ये पूरा हींग हम इसमें डालेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये है, ये काला नमक है। वैसे तो मार्केट में पिसा हुआ काला नमक आता है, लेकिन ये वाला नमक आप अगर मिलता है मार्केट में आपके, तो ये वाला नमक आप लीजिए, ये वाला नमक बहुत मतलब लाभदायक होता है। तो इस चूरन में ये वाला नमक हम डालेंगे। और एक ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हर्रे बहर्रे और सूखा आंवला, और यहाँ देखिए मेथी, अजवाइन और सौंफ, और ये काला नमक, और एक ये हींग की टिबिया। और अगर आप चाहें तो इसमें, और ये जीरा, ये जीरा हमने थोड़ा सा ही लिया है, करीब 20 ग्राम ये जीरा होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चूरन बनाना। तो देखिए हमने एक पैन लिया है और इसको गैस पे रख दिया है, अब हम इसको भूनेंगे। तो सबसे पहले हम मेथी को भून लेते हैं, और ध्यान रखिए इसे हल्का हल्का ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा थोड़ा हम इसको भून लेंगे। और हम इसको पलट लेंगे, और इसी में ये अजवाइन और सौंफ भी भून लेंगे। दिन में इसे ठंडे पानी से खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चूरन खाने से मतलब भूख भी आपको लगेगा, अगर जिन लोगों को भूख भी नहीं लगता है तो खाना भी आपका पच जाएगा और भूख भी आपको लगेगा, तो ये चूरन मतलब कोई नुकसान नहीं करता है, लाभदायक होता है। तो देखिए ये भी भुना चुका है, बस अभी इसको भी पलट लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनेंगे।
इसको भी हम पलट लेंगे। जीरा भी भून चुकी है, इसको भी पलट लेते हैं। और ये हरे बहरे को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसमें थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाए। हरे को भी थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा इसमें कुरकुरापन आ जाए इसलिए हम इसको भूनेंगे ताकि अच्छे से पिस जाए। अगर आप इसको भूनेंगे नहीं तो आप इसे धूप में भी दिखा सकते हैं। और ये चूरन दोस्तों हम अपने सासू माँ से सीखे हैं और बराबर वो बनाती हैं तो हम भी सीख चुके हैं ये चूरन। कहा आप ही बना दो, नहीं तो वो जब बनाती थी ना तब हम देखते थे। तो ये मेरे सासू माँ का नुस्खा है ये चूरन बनाना। इसको भी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ज्यादा नहीं गर्म करेंगे। तो दोस्तों इसको हम सिलबट्टे से फोड़ लेंगे और इसका बीज निकाल लेंगे। तो इसका बीज हमने ये देखिए इस तरीके से निकला है, ये दो चार हमने फोड़ा है तो बीज इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका बीज इस तरीके से निकलेगा और इसको हमको निकाल के फेंक देना है। ये आंवला को हम पीस लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने इसको पीस लिया है, ये हरे और बहरे है इस तरीके से पीसा है। और ये देखिए ये आंवला सूखा वाला इस तरीके से पीस लिया है। और ये जीरा अजवाइन मेथी सौंफ ये सब चीज है जो पीस लिया है। हम काला नमक भी पीस लेते हैं। हमने पीस लिया है दोस्तों और ये हींग इसी में हम पीस लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और बारीक हो जाए। इसी में इसे उठा लेंगे। तो देखिए ये सब पीस चुके हैं, अब इन सबको एक में मिला लेंगे। चूरन हमारा बिल्कुल से तैयार हो चुका है। अब आप इसे एक बर्तन में रखकर डेली यूज कर सकते हो। तो सबको हम अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको इस बर्तन में भर देंगे। दोस्तों चूरन हमारा बनकर तैयार है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।